छे माता दी, अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का कहना होता है कि हम बहुत से उपाय करते हैं, परंतु उपायों से हमें उतना लाभ नहीं होता। सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रख लें दोस्तों, जितने भी उपाय हुआ करते हैं, यह अपने देवों की किसी ना किसी प्रकार से अर्जियां हुआ करती हैं। अब उनका परिणाम भी किसी का जल्दी, किसी का थोड़ी देर से भी आ सकता है, परंतु आप अपना विश्वास न छोड़ें। अब हर उपाय हर व्यक्ति पर फिट बैठे ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। किसी को किसी उपाय से फायदा हो जाए, किसी को दूसरे उपाय से फायदा हो जाए, यह ऐसा ही हुआ करता है। परंतु आप यदि विश्वास रख करके अपना कोई भी कार्य करते हैं, मन को पक्का बना लें कि मैं जो कार्य करूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, शत्रुओं से हैं परेशान, बहुत बार आपने देखा है कि आप उसके उपाय भी करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। परंतु बहुत से उपाय ऐसे होते हैं, किसी को लग जाता है, कर जरूर लेना चाहिए और मन मानता है कि इस उपाय को मैं अवश्य करूंगा, मुझे सफलता मिलेगी, तो फिर मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, वनस्पति जगत के स्वामी है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ को वैसे तो बिलपत्र, अपना धतूरा और आग के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। उनका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से रहा है, परंतु आज मैं जो बात करूंगा इन तीन पौधों की नहीं, मैं इनमें से एक पौधे की बात करूंगा, आक के पौधे की, जिसको आप आंकड़े के रूप में जानते हैं, देहाती भाषा में आंकड़ा कहा जाता है, इसको आक का पौधा बोलते हैं। दोस्तों, आक का जो पौधा होता है, उस पौधे में बहुत से गुण पाए जाते हैं। अब ये हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से काम भी आता है। बहुत पुराने समय में जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब बहुत से व्यक्ति बताया करते थे कि यहां से ना जाना, यहां इस रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं। दोस्तों, आग के पौधे से ही लोग डर जाया करते थे। आग का पौधा चांदनी रात में ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ। पर आग के पौधे में एक गुण यह भी बता दूं कि आग के नीचे अगर आप यह दीपक जला देंगे, आपके शत्रु अदृश्य होने लग जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे, आप ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं। अब प्रयोग बड़ा साधारण हुआ करता है। भगवान भोलेनाथ की इसमें अर्जी होती है और आग के पौधे के नीचे इस दीपक को जलाना होता है। बस थोड़ी सी विधि समझ लें और शनिवार के दिन इस प्रयोग को करना है। शनिवार को करना क्या है, आप थोड़ा सा आटा गूंद करके ले जाएं, अपना ले जाएं, जैसे जिसमें हम रोटी बनाते हैं, गूंधा हुआ आटा हुआ करता है सबके घर में, इसको अपने साथ में ले जाएं। अब यह प्रयोग आपने शनिवार को दिन में करना है, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है जब आपको समय मिले। आपका पौधा अपने पास में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, दूर है कोई दिक्कत नहीं, किसी निर्जन स्थान पे बाहर है कोई दिक्कत नहीं। आप आग के पौधे के पेड़ के नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा आटा गूंद करके ले जाना और थोड़ा सा आपने अपने साथ में सरसों का तेल ले जाना है, किसी प्लास्टिक की शीशी में अच्छे तरीके से बंद कर लेना, उसमें डालना है, दीपक में डालना है, एक अपनी बत्ती गोल जो खड़ी बत्ती होती है साथ ले जाना, जलाने के लिए माचिस ले जाना, बस इतना सा आपका काम हुआ करता है दोस्तों। और इसके साथ में ले जाना आपके कितने शत्रु, एक दो तीन चार पांच, जितने शत्रु हों उतनी ही लौंग अपने साथ में ले जाते, बस इतना सा काम है दोस्तों। आग के पौधे के नीचे जाकर के आपने
थोड़ा सा जमीन को किसी नुकीले पत्थर या नुकीली चीज से जमीन का थोड़ा सा अपना रेत ऊपर का हटा देना है, वो थोड़ा सा, ताकि आप दीपक टाइप में जो उस आटे को बनाएंगे, आटे को दीपक नुमा बनाएंगे, तो जितना खोदना कि उसके ऊपर वो आराम से उसमें आप दीपक लगा दो, बस ऊपर केवल और केवल उसकी छोटी सी कन्नी ही दिखाई देगी दीपक की, बाकी शेष उसमें रख देना जमीन को थोड़ा सा खोद करके, इतना सा काम। दीपक नुमा बना लिया, उसमें तेल डाल दिया, सरसों का खड़ी पत्ती लगा दी और उसमें आपको प्रज्वलित कर देना है, और जब इसे आप जला देंगे तब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है, दोस्तों मेरे रास्ते में कोई शत्रु ना आए, इसके लिए मैं आपका यह दीपक आपके प्रिय पौधे आपके नीचे जला रहा हूं, इसमें मुझे सफलता दे, मुझे अपने चरणों में रखें। आप अपनी अर्जी को किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, इतना सा ही काम है, 1 मिनट का भी काम नहीं है दोस्तों। अब आपके जितने शत्रु हैं उस शत्रु का नाम लेना है और 1 लौंग को उस दीपक में छोड़ देना है, जलाने के बाद आप दूसरा शत्रु है नाम लेना, उस लौंग को हाथ में पकड़ के नाम लेना, उसमें छोड़ देना। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, आप जिसका भी नाम लेकर के उस लौंग को उस दीपक में छोड़ दो दोस्तों, इतना सा काम है आपका। आप यदि इस काम को कर देंगे तो समझ लेना आपका कार्य पूरा हो गया है। आपके रास्ते में अब आने वाले शत्रु धीरे धीरे करके अदृश्य होने लगेंगे, पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रयोग को कम से कम 3 शनिवार अवश्य करें। जहां पे दीपक लगाया है उसी स्थान पे यदि वह दीपक लगाया हुआ अगली बार आपको नहीं देखना है कि उस स्थान पे क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा स्थान छोड़ करके दूसरी जगह बनाना, दूसरा दीपक इसी प्रकार से लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, 2 शनिवार फिर 3 शनिवार, 3 शनिवार यदि आप इस प्रयोग को कर देते हैं दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं बाधाएं हैं सब दूर होने लग जाएगी। भगवान भोलेनाथ की अर्जी लगा दिया करें, भगवान भोलेनाथ की जब अर्जी लगा देंगे ध्यान करके, तो समझ लेना आप जो कार्य कर रहे हैं झटपट शीघ्र सफल होने लग जाएगा। अच्छा लगता है किसी को बता दें, आपके लिए इतना ही, सिर्फ अपने लाइक का ध्यान रखना, शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।